ये एक इट्स अ वेरी ग्लैमरस फोटो शूट जो हम कर रहे हैं आज. एंड रोहन इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर. इनफैक्ट मुझे रोहन का काम बहुत पसंद है. एंड पिक्चर्स जो है वो तो खैर आप देखोगे ही बाद में, बट या इट्स इट्स वेरी ग्लैमरस. एंड किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके कौन-कौन से चेंजेस भी आपके हमने काफ़ी लाइक मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ किया है. कुछ क्या कैसे क्या किस टाइप के चेंजेस तो ये मेरा पर्सनल फोटोशूट है. एंड पिक्चर्स जो हैं मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं. एंड रोहन इज़ शूटिंग इट. सो रोहन का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ही इज़ बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस एंड यू नो बॉलीवुड स्टाइल फोटोग्राफी ही डज. एंड या सो इट्स बेसिकली वेरी ग्लैमरस. एंड उसके लिए उसमें आपका जिहाद भी मूवी आ रही है, उस मूवी के बारे में किस तरह का मूवी होने वाला है? जिहाद जो है बेसिकली बांग्लादेश टेरर अटैक के ऊपर में बेस्ड है, जिसमें मैं एंड ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एंड रोहित रॉय हम हैं. तो ये फिल्म हमने काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस में शूट किया. हम पेरिस में हमने शूट किया है, फिर लद्दाख में किया था, कैलकटा में काफ़ी शूटिंग हुआ है. एंड आई कॉन्ट रिवील मच अबाउट माई कैरेक्टर बिकॉज ऑफ यू नो द फिल्म इज़ लाइक दैट. वो जब भी आप देखोगे आप समझोगे. एंड ये ओमी देव चैटर्जी की फिल्म है, जिसने काफ़ी उन्होंने बंगाल में काफ़ी फिल्में बनाई हैं. ये उनकी सेकेंड हिंदी प्रोजेक्ट है. वो तो कैरेक्टर के बारे में जैसे मैंने बोला वो मैं बता नहीं सकती हूँ. बट हाँ, जब टेरर अटैक जब हुआ था तो हमने सब यू नो न्यूज़पेपर्स में भी रेड. एंड ऑब्वियसली एक आइडिया तो था ही. तो उसमें मैं एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ. सो लिटिल बिट यू नो रीडिंग इन द पेपर्स एंड न्यूज़. एंड जैसे टेरर अटैक्स के बारे में तो हम रोज़ ही आजकल सुनते हैं. तो आई सॉर्ट ऑफ यू नो न्यू एग्जैक्टली कि हम यू नो प्लॉट क्या है. बट उसमें एक इट्स जस्ट वो एक लिया हुआ है टेरर अटैक से. बट अदरवाइज इट्स ऑल्सो यू नो द स्टोरी टेक्स अ डिफरेंट टर्न लेटर. रोहित बहुत ही हेल्पफुल को स्टार है बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने साल से इंडस्ट्री में है. एंड यू नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. एंड इनफैक्ट मैं रोहित को आई फील दैट रोहित शुड ऑल्सो डू डायरेक्शन बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल एक्टर. एंड यू नो लाइक जैसे कि मैं काफ़ी नई हूँ कंपेयर टू दिस. एंड जिहाद में मेरा कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है. उसमें रोहित ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है यू नो टू पुल ऑफ माई कैरेक्टर. एंड सो इज़ रितु दी बिकॉज रितु दी इज़ एन एक्ट्रेस हु आई पर्सनली लुक अप टू हर बिकॉज शी इज़ जस्ट सो टैलेंटेड. सो इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. शूटिंग्स की बात करें तो आउट ऑफ भी हुआ है, आउट ऑफ इंडिया भी हुआ है, तो क्यों वहाँ कुछ फनी इंसिडेंट्स जो मेमोरेबल रहे आपको शेयर कर सकते हैं? एक तो फनी है कि नहीं वो आई डोंट नो. बट आई डोंट नो शायद आपको फनी नहीं लगे. बट हम जहाँ पे रह रहे थे दैट प्लेस लाइक 5-6 दिन शूट के बाद में मुझे पता चला कि द प्लेस वॉज कॉल्ड रेचल एवेन्यू. सो आई ऑलमोस्ट आई टोल्ड माई डायरेक्टर दैट मे बी दिस इज़ माई होम एंड आई शुड जस्ट स्टे बैक हियर बिकॉज मेरे नाम से मैं बाहर निकली तो हर जगह इट वॉज लाइक रेचल 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 एवरीवेयर. सो इट वॉज दैट वॉज रियली फनी. ओके मैम, इस और इसके अलावा आपके एक वेब सीरीज भी आ रहा है, जी हाँ, बताइए किस तरह की वेब सीरीज है? वेब सीरीज जो है वो कपिल शर्मा की है. एंड मैं उनको सीज़न 2 में ज्वाइन कर रही हूँ. लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा रहा था बिकॉज़ जब मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला कि यू नो मैं वो वेब सीरीज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया. एंड
यू नो इनबॉक्स किया दैट यू नो वी सॉ इट एंड लेट अस नो व्हेन इट्स कमिंग नेक्स्ट एंड यू नो इट वाज वेरी फनी एंड सो इट्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट्स अ सिटकॉम एंड मैं एक हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ उसमें जिसको यू नो काफ़ी एक रिच हाउसवाइफ है वेरी क्लासी एंड येट बहुत ही वल्नरेबल है एंड इट्स हर जर्नी विद हर हस्बैंड एंड उसको एक शी हैज अ बेबी आल्सो इन इट सो इट्स दैट कपिल इज अ स्वीट हार्ट ही इज कपिल उसमें एक्ट भी कर रहे हैं सो ही इज वेरी नो नॉट रियली स्वीट टू मी ओके और देखा जाए तो फिर इसके अलावा और कुछ बंगाली में कुछ बंगाली में तीन मूवी आपके आ चुकी है उसमें से एक इस पर कुछ सेवन में कुछ इंक्लूड किया गया था हाँ उसके बारे में बंगाल में खैर मैं क्योंकि मैं कैलकटा से हूँ तो मैं काफ़ी आते जाते रहती हूँ वहाँ पे एंड आई हैव अनदर वन मोर अपकमिंग फिल्म देयर कुछ और यू नो बातें चल रही है सो आई कांट रियली टॉक मच अबाउट दैट राइट नाउ मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इफ यू आस्क मी आई विल बी एबल टू गिव आउट डिटेल्स बट यस राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लव लाइफ इन स्क्रू अप्स एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू जिहाद्स रिलीज विच विल बी मोस्टली इन डिसम्बर नहीं जिहाद इज़ अ वेरी सीरियस फिल्म इट्स अ सीरियस फिल्म उसमें देर आर नो सॉन्ग्स जी हाँ हाँ वही सी टेरर अटैक्स जैसे वेन एवर हम लोग पढ़ते भी है वो कोई फिल्म की ज़रूरत नहीं है वो तो हम नॉर्मली अगर न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं कि यू नो कहीं कोई टेरर अटैक हुआ है एंड यू नो पीपल आर देर सो मेनी विक्टिम्स एंड बच्चे यू नो आर डाइंग एंड एवरीथिंग सो वो एक चीज़ है कि हम यू नो खुद ही सोचते हैं कि यू नो ह्यूमैनिटी किस यू नो लेवल पे गिर रही है कि लोग ऐसे कर सकते हैं सो ऑब्वियसली इस फिल्म में जब हम काम कर रहे थे तो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट इट एंड यू नो व्हेन आवर डायरेक्टर यूज्ड टू एक्सप्लेन टू अस यू नो ऐसे हुआ था एंड दिस दैट एंड दैट टाइम यू जस्ट इट्स लाइक यू गेट अ लिटिल क्लोजर लुक एज टू यू नो हाउ पीपल डू गेट अफेक्टेड एंड यू नो व्हेन यू आर रीडिंग द होल बैक स्टोरी अबाउट इट एंड सेइंग योर लाइंस एंड एवरीथिंग यू एक्चुअली दैट टाइम इट्स लाइक आप वापस से एक बार सोचते हो कि यू नो हाँ ऐसे भी होता है एंड यू नो कभी कभी तो हम लोग जस्ट न्यूज़ में देखते हैं ना अच्छा ओके टू बैड एंड देन वी फॉरगेट बट दिस इज समथिंग दैट यू नो वंस you're doing a film about it then it's sort of you see it more closely